एंड गाइस आपको पता होगा मंदिर में पीछे नहीं देखते क्या होता है वरना सारा दर्शन कर ले जाओ बोलो वाला जी मेरा सीट जाएगा सारे गाइस यहां पे सोल के ये अब देखिए ये आ आ क्या है क्या है तो लगा गाइस आप सब लोगों को बैक टू द वीडियो आई मीन व्लॉग। तो दोस्तों आज हम ऐसे एक नया व्लॉग बनाने जा रहे हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है आज का बड़ा ट्रेंड है लेकिन वो हम ट्रेंड की वजह से नहीं हमारे तो कुल देवता जी हैं खाटू श्याम जी। आप लोगों को बताओ खाटू बाबा के बारे में ठीक है तो हम जा रहे हैं बालाजी और खाटू श्याम जी। फिलहाल सुबह सुबह उठ चुके हैं बज रहे हैं 6:05 बजे उठे थे बस नहा धो के रेडी हो चुके हैं। कैमरा लगवाते हैं भाई रोज बढ़ते रहती है एंड दिस इज आर डुक्की भाई। ओ भाई क्या कर दिया सीधा उठाना था तो भी सामान वामान भी पैक हो चुका है सारा सारा क्या दो दिन आज जाना कल आना सिंपल बात है ठीक है गाइस ठीक है हाँ सब बढ़िया भाई जी सब बढ़िया खुश नहीं है मैं तो नहीं हूँ भाई ठीक है। तो गाइस सारा सामान पैक है तो जो प्लान है अभी हम निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं फिलहाल सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी और उसके बाद जाएंगे खाटू श्याम जी पे वहीं रुके कल आ जाएंगे तो उसके बीच में जो ब्लॉग बनेंगे वो दिखा दूँगा पता है ना तुम्हें कैसे बनाता हूँ मैं। अब एक पिछली वीडियो पे सही पहला प्यार दिया जो अलॉयज वाली वीडियो थी भाई थैंक यू सो मच और ऐसी प्यार बनाए रखो आने वाली वीडियोस के लिए भी अभी से सब्सक्राइब कर दो। तो फिलहाल सामान पैक है एक बार सुसु और कर जाता हूँ घर पे आ रही है फिर हम निकलेंगे अपनी बालाजी की तरफ सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी। तो भाई जो बात है देखो जैसा अभी मैं कह रहा था मैंने कुल देखता देखो आजकल लोग थोड़ा जो भी है देखो रील वगैरह देखते भी काफ़ी लोग जाते हैं तो वैसे जाना भी चाहिए कि भाई उनका असर ही मतलब जो उनका है ना प्रभाव है ही ऐसा जो जो मांगते पूरा हो जाता होगा सिंपल बात है। लेकिन हमारा तो कुलगुरु लाइक बचपन में हमारे बाल भी वहीं उतरे थे और वहीं उतरते हैं सबके उतरेंगे भाई हमारा तो खुल देता है सुबह शाम पूजा वूजा होती है सब कुछ तो इससे भाई काफ़ी टाइम हो गया तो हम जाना बनता है अपना। और मेहंदी बाला जी हम जाते ही हैं साथ साथ तो दोनों जगह जाते हैं एक साथ तो मस्त अपने दर्शन वर्शन करके आते हैं क्योंकि उसके बाद कुछ और काम भी निपटाने हैं वापसी आके वो भी तुम्हें दिख जाएंगे भाई ठीक है। और बाकी दूर तो है ही राजस्थान जाने से राजस्थान में पड़ता है अपना दोनों चीज़ें ही तो हल्की सी रोड ट्रिप हो जाएगी क्योंकि फरवरी के बाद भाई जब नैनीताल गए थे उसके बाद कोई भी ट्रिप नहीं हुआ है तो थोड़ा सा मज़ा आएगा थोड़ा सुकून मिलेगा ना तो हमें पता है लॉन्ग ड्राइव वाली वाइब्स क्या होती है गाने वाने चल रहे हैं मस्त तो यही रहने वाला है मस्त सुकून थोड़ा मिलेगा चलते हैं भाई सिंपल बात है। अपना बेस जा चुके हैं बाहर और अपनी गाड़ी ऑल सेट है यहाँ पर भी सारे बंदे सेट हैं अपने चाचा भी सेट हैं। हेलो गाइस ठीक है भाई अब सारे बस इंतज़ार कर रहे हैं आएंगे फिर हम निकलते हैं अपना सारी सीम आ जाएंगे भाई कोई दिक्कत नहीं है दो गाड़ी जरूरत नहीं ठीक है उसको दिखाओ नहीं भाई खुश हो जा कुणाल को दिखाओ कुणाल को दिखाऊं कुणाल दिखा दिया ऐसे ये तो रहा कुणाल उसको भी कह रहा है भाई वो सॉरी अंशु है ना वो अंशु ये रहा कोई ना भाई इसमें चलेंगे सारे भाई और रोड खाली भाई केवी के बच्चे हम भी जानो केवी में थे भाई क्या टाइम था क्या टाइम था कदम से भाई बहुत तगड़ा टाइम था यार जब हम स्कूल नहीं आ सकते यार सेट हो गया भाई कोई नस्ले बारा जी चलते हैं हम चलो तो अपनी थार है ना वो भी थोड़ी गंदी पड़ी है ऐसी रहती है अब भाई ये मैं सोचना कि ऐसी रहती है साफ पड़ने वाला लगाया हमने गाड़ी लेकिन अभी बारिश वारिश का दिन है ना तो भाई बारिश पड़ती है तो ख़राब हो जाता है साढ़े नू ही हो रहा है मतलब गंदी पड़ी जाती है थोड़ी बहुत ज़्यादातर कोई ना भी आ जाएंगे मौसम से हो जाएगा तो फिर साफ़ रहेगी वो बाहर रहती है तो वो साफ़ रहती रहती है क्योंकि उससे हम डेली में भी यूज़ करते हैं। तो भाई सारे आ गए गाड़ी में तो हम निकलते हैं तो हम गाड़ी में आते अभी चलेंगे ओके भाई चलो भाई आ जाओ सारे आ जाओ चलो चलो भाई चलो भाई अभी 20 पर रुके अपना रुके क्यों हैं अभी हम चारों ही बैठ गए थे वहाँ जो बीच वाली सीट होती है सेकेंड रो में चारों बैठ गए थे लेकिन थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगा ऐसा हमें पीछे भी जगह थी डिक्की में मतलब सामान एक साइड एडजस्ट करके जो एक सीट खुल जाएगी तो कंफर्टेबल हो जाएंगे तो भाई यही कर रहे हैं अपना एडजस्ट कर दिया सामान और एक सीट खुल दिया तो अब सारे कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे मस्त सही हो जाएगा मतलब मामला एडजस्टमेंट है भाई अपनी जगह थी तो कर लिया मना नहीं करते तो बाकी अच्छा लग रहा है भाई वहाँ पर सूरज अपना उग चुका है हमारे सूरज देवता जी और मस्त रोड वोड चल रहा है भाई चलो तो हम भी चलते हैं पीछे कोई बैठ रहा है अंशु वेरी गुड ऐसे ही हम आपने बैठेंगे वो शॉर्ट
बात तो है शहर में बेकार है, बड़ा बेकार कोई। तो भैया बहुत देर बाद जाके जो है रुके हैं, हिला के चला था ना यार, ठीक है पूरे यार उसमें हाईवे पे मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़े हुए हैं, और वही नहीं है यार यहाँ पे होटल वगैरह, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट नॉट होटल, सॉरी आई अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक, लेकिन लेकिन वॉशरूम अच्छा बना हुआ है। तो जो बात है पूरे हाई पूरे एक्सप्रेस वे पे मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़े हुए हैं, बहुत ही कम खाने पीने का सिस्टम है, तो 9 बज चुके हैं, 140 किलोमीटर के आसपास गाड़ी खींच दी है, तो खाना वाना खाना है, तो खाना खाने रुके हैं भाई। तो गाइस सुसु करके आ रहे हैं, बाथरूम अच्छा था जो भी कहो, लेकिन पूरे एक्सप्रेस वे पर बड़ी दिक्कत रही, यहाँ मजा आया ठीक है। और ये इनका बहुत चुनिंदा होटल रेस्टोरेंट है, पहले तो मेन्यू देख रहे क्या खाना है क्या नहीं, छोले भटूरे डोसा क्या खाना है, शक्ल देख रहे ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने के बाद मिलेंगे, ओके गुड नाइट, लाइक करो। सो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, एंड हमने ब्रेकफास्ट में खाया सैंडविच एंड परांठे एंड दही और आलू भाजी, यस इज करेक्ट। मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था भाई, बताओगे? नहीं प्लीज नो प्लीज बताओ, आप शुरू से इतना हैंडसम मुझसे मिलने के बाद, मिलने के बाद हैंडसम सही है यार, काफ़ी ज़्यादा आपके स्पेक्स है ना, लाइक वो क्या लुक आता है आपका ब्रदर। भैया आपसे तो सिखाया मैंने, मैं आपको तो चश्मा पहनते थे पहले, रील में देखा है मैंने आपको भैया जब मैं ऑफिस जाता था भैया दिखता था वो तो। तो बात यह है भाई, जब खा लिया ना तो निकालने का प्लान है, लेकिन अभी सारे ऑक्यूपाइड हो रखे हैं, तो खाली होने का प्लान है, खाली हो जाए तो हम भी खाली हो जाएंगे अंदर जाके, देन हम लोग चलेंगे अपनी मंजिल की तरफ वापस। और हमने देखो प्याज व्याज लहसुन वसन के बिना सब कुछ खाया, पहले ही पता कर लिया था, क्योंकि अब हम जा रहे हैं बालाजी ना, तो इन सब का सेवन नहीं करते, तो गाइस फ्रेश होते हैं फिर मिलेंगे। सो गाइस आ गए हैं फ्रेश होके, मेरा भाई मुंह धो के आया है, देखो गोरा हो गया, पहले से गोरा था, तो अब हम चल रहे हैं बालाजी की तरफ, तो गाइस चलते हैं, ऐसे सारे हमारे इंतजार कर रहे हैं पहले से ही, आउट होके बैठो, आप बैठो पहले, बैठो भाई, अरे यार बीच में बैठाते हैं। चुके हैं अपना बालाजी मेन मंदिर, मंदिर बालाजी के जस्ट बाहर ही है, हमने पार्किंग में खड़ी कर दी, बस थोड़ी भीड़ सी थी, अभी आ रहे हैं हमें लेने के लिए भैया, तो गाड़ी खड़ी कर दी है, अंदर ही ले आए थे ताकि दिक्कत ना रहे, पर ये हमारे भाई हैं बैटरी सॉरी डुग्गी, ओए बुद्धि लाल कर दूंगा तेरी गणा ना, ओए ओए ओ वाओ देखो हनुमान जी, वाओ जी बिल्कुल, अनका जी आपको पता होगा मंदिर में पीछे नहीं देखते क्या होता है, वरना अपने जो दोस्त होते हैं ना उनकी आवाज आते हैं वहां, जैसे दोस्त होते हैं ना वो अपने साथ आ जाते हैं, और सारे ऐसे होते हैं जीप से इसके जैसे पपी जैसे आवाज़ें आती हैं ऐसे, आपकी बंदी आपको बुला रही है ऐसे करके आवाज आएगी है ना भाई, लेकिन पीछे नहीं मुड़ना, कुछ खाना बिल्कुल भी नहीं है, इतना नहीं लगाना, देर सो मैनी प्रिकॉशंस, देखो ऐसे पड़े जाते हैं कि बेकार है, तो प्रिकॉशंस लेके चलनी है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, हम हमारे भैया जी लेने आ रहे हैं, क्योंकि हमने वीआईपी दर्शन दर्शन करा रहे अपने, तो वो कराएंगे खुले सिस्टम है, शुरू से है भाई शुरू से ही है। चलो गाइस नो भाई जी चलते हैं, कुछ ज़्यादा गाइस भाई अभी कपाट बंद है, खुलने का इंतज़ार हो रहा है, और हम खड़े हुए हैं भाई अपने गेट नंबर 2 पे, यहीं से चलेंगे अंदर, बस कपाट खुल रहे हैं, वेट हो रहा है हल्का सारा 5 मिनट 2 मिनट, देन हम अंदर चलेंगे गाइस यहाँ से। जय श्री बालाजी महाराज, जय हो भाई जय हो, सारा दर्शन कर रहे हैं बोलो वाला जी महाराज की जय हो सारे। चलो भाई चलो बहुत बढ़िया, जय हो वाला जी महाराज, कोई मस्त अपना दर्शन करके बाहर आ गए हैं, और बाहर आती हमें बाबा के छींटे भी मिल गए हैं गाइस, मतलब अंदर गए तो देखो कुछ नहीं था, अभी बाहर आती है की बारिश, और हमें हर बार मिल जाती है इसको भाई पॉजिटिविटी में लेकर छींटे हैं भाई बाबा का जल, ठीक है, और बाकी हमें प्रसाद प्रसाद भी मिला है, और दर्शन एक नंबर के हुए हैं, अभी सबका रिव्यू लेता हूँ कैसा कैसे क्या हुआ, एक नंबर का दर्शन हुआ मैंने तुम्हें भी करा दिया बढ़िया बढ़िया, यहाँ पर हम रुके भाई धोक वोक खाया कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया फ़ोटो वोटो भी खींची, तो कहते हैं एक नंबर के हो गए, मज़ा ही आ गया। हाँ भाई दर्शन कैसे हुए भाई बता, बढ़िया कैसे एक नंबर पहली बार, चलो दर्शन हुआ
इतनी पास है, 5 से 10 मिनट में खड़े हुए थे, खड़े हुए थे हम तो दो को कर रहे थे आराम से भाई। पीछे भी बंदा नहीं था बोलने वाला, मैं तो भाई तभी तो बात है, ये मौसम देखो कितना तगड़ा हो गया, एक नंबर का मौसम हो रहा है बना दिया भगवान ने, भगवान आज आज आते हुए जिस गलती करके आते हुए जाते हुए हवा देख भाई वो देख दर्शन कैसे हुए तेरे, बहुत प्यार है भाई, पहली बार इतने पास हुए मेरे, हाँ लास्ट टाइम मेरे वाले ना नहीं करी यार, मैं पूरा बैठा भाई धूप खोया मजा ही मजा, पिछली बार तो मैं आ रहा हूँ यहाँ इतने दूर था, मतलब जितना अभी है ना उससे थोड़ा और दूर था पहले, और बाराती देख मौसम देख लिया सीटें पर बाहर सीटें पड़ गई, ओ भाई मजा ही आ गया, एक नंबर के दर्शन हो गए पकड़ियो, तो भाई जेन्युइन मजा आ गया, जैसे कहते हैं ना एक नंबर की चीज़ भाई, वो कैसे अनएक्सपेक्टेड होता है काफ़ी ज़्यादा जो हो जाए, और मोमेंट देखो बाहर आती भाई बारिश आ गई मौसम तगड़ा हो गया, और दर्शन अब मैं बोलते रहूँगा बाबा हुए इतने अच्छे क्या करूँ, फोटोज खींचे भाई हमने अपनी फोटोज भी आई है, तो भाई ये बारिश भी तेज हो गई है, मौसम एक नंबर मजा आ रहा है, भीग भी लेंगे इसमें हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई मौज, ये देखो ये है मेन जो है ना सामने ही ये अंदर ही सामने देख राम दरबार है, हनुमान जी राम जी से दूर कैसे रह सकता है भाई, तो भाई अब अपने राम दरबार के भी दर्शन हो चुके हैं, अब बारिश हो चुकी है तेज, मतलब छीटे, ओ भाई तूफान ले बहुत ज्यादा तेज है, तो भाई फटफट चल रहे हैं अपना गाड़ी पे, अब दर्शन एक नंबर हो गए चल रहे हैं, बिक गए थोड़ा कोई ना मजा आ गया एक नंबर, देखो भाई लेकिन हमें भीगने का डर नहीं है, मजा आ रहा है दर्शन और बारिश, वाह 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 कैसे पहन रखे और प्रसाद प्रसाद भी तो बताओ भाई, भाई यार क्या बारिश आ रही है, ओ माय गॉड भाग नहीं सकता भाई, तो भाई फोन पे पानी आ गया, ओ माय गॉड धुंधला हो गया, ओ भाई चश्मा, ओए हीरो लाइक करो भाई लाइक करो दर्शन लाइक करो, बारिश में भीगते गाइस, बारिश में भीग गए भाई अंदर रिकॉर्डिंग कर ली, और क्या लोगी जिंदगी में दर्शन के आज तुम्हें बालाजी महाराज के बैठे बैठे एकदम घर पे, जय श्री बालाजी महाराज, जय हनुमान जी, जय राम जी, जय श्री राम, ओ भाग के चल वापस ना देंगे, ओ भागो, देखो सारे गरीब कैसे बारिश में भीग के आके बैठ गए, उसके कवर में भी पानी चला गया, कवर में पानी आ गया इसको, बाल पोंछ रहा है अबे वो डस्ट, अबे ओए गाड़ी का कपड़ा है वो तो बैठ के प्रसाद खाएंगे अब भाई, मौज ही मौज, बार बारिश, ओ माय गॉड बार बारिश है, प्रसाद है अंदर, वाओ क्या लिखा है देखो, बालाजी महाराज का महाप्रसाद, वाओ खा लो भाई, कोई ना, तो दोस्तों अब हम आ गए थे बाहर और हमने अपने प्रसाद भी खा लिया है, और हम जयपुर से भी आगे निकल के आ चुके हैं, बहुत टाइम हो गया अब कावड़ शाम में जो है लगभग 60 किलोमीटर सोनी रह गया है, तो बस वहीं पहुंचना है, मेन जो था हमने प्रसाद प्रसाद खा लिया था गाड़ी में, कोल्ड ड्रिंक भी मिली, चिप्स भी खा लिया, तो पेट शांत हो रखा है अभी, फटफट कावड़ शाम जी पहुँच जाते हैं वो सब, क्योंकि ज़्यादा नहीं 4-4.5 पहुँच जाएंगे जो है, और हमारे होटल वहाँ पर पहले से बुक है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जयपुर हमने पार कर लिया है, ये जयपुर का आउटर वाला पार्ट है अभी, अभी हाईवे पे हम आ चुके हैं, इसलिए हम रुके थे सुसु ब्रेक के लिए, सुसु ब्रेक था गाइस, और फॉर्म में पानी भर गया भाई, पता नहीं क्या हो गया है बारिश में ना, बस फिर चलते हैं अभी काटू शाम जी, वहाँ मिलेंगे आपको, सो गाइस फाइनली वी आर एट काटू शाम जी, और हमने अपना रूम चेक इन कर लिया है, ऐसा आप देख सकते हो भाई ये अपना होटल है, और बंदे कहाँ गए अपने, रूम ढूंढ लेते हैं पहले ना, देखो अपना पहले से हमने होटल बुक करा रखा था दिल्ली में, दिल्ली से करा के आए थे, हर बार इसी में रुकते हैं, होटल शाम में मेन रोड पे पड़ता सबसे पहले, यहाँ पे सबसे पहले बना था एलजी होटल, पहले हम धर्मशाला में रुकते थे, क्योंकि आ जाओ यहाँ के दोनों, थैंक यू भैया, गाइस रूम देखो, सो गाइस चल रहे हैं अभी रूम में, एंड वी हैव आर इंडिविजुअल रूम, हम तीनों भाई होगा चारों भाई होगा चारों भाई होगा, ये ऐसे वॉशरूम गिलास है पीने के लिए पानी, अच्छा जी
तो बस भाई थक गए, फ्रेश होके मिलते हैं। ओ वाओ, ये तो व्यू दिखा रहा है बाहर का, देखो जाओ बाहर का व्यू दिखाओ। पहले हम पहले वहां रुकते थे, आज हम यहाँ रुकते हैं। सो गाइस, अभी का प्लान ये है, आराम से बैठेंगे, फोन चार्ज करेंगे। आज थक गए हैं बहुत ज्यादा, बाल खराब हो रहे हैं, बारिश जब आई थी तब से ऐसी बाल है ना, इसलिए खराब हो गए। तो अभी सही करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर आपको मिलते हैं। वैसे व्लॉग लंबा हो रहा, देखते हैं एंड करते हैं क्या करना है। लेट्स सी लेकिन आ गए हो शायद, मजा ही आ गया। सो गाइस, अभी हमने रेस्ट किया, देन हम नहा धो के आ गए हैं, अब हम घूमने जाएंगे। लेकिन उससे पहले ब्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, तो इसको यहीं पे एंड करा जाता है हमारी तरफ से। भाई चिल्ला कर रहे हो यार, व्हाट आर यू डूइंग यार। ओके ब्रदर। सो गाइस, वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, आने वाले पार्ट के लिए चुगोजी सब्सक्राइब कर देना चैनल को। क्या है ढंगते बाबे, ढंगते। ओके भाई, अब बोल साले, अब बोल भाई, तुम आराम से रह भाई, प्लीज ना कंगा दे, मैं बाबूंगा पहले बाले। सो गाइस, आज आपको यही पेंट करते हैं, और आज आशा करता हूं आपको लोग पसंद आया होगा, आपके मेरे दर्शन करा दिए, तो थैंक यू मत बोलना। नहीं आया किसी को पता नहीं भाई, तेरी क्या है भाई, सॉरी भाई, एंड करने दे, ऐसे लंबा हो रहा, बहुत ज्यादा समझ गया, कर एक्टो एंड। क्या है, हैं हैं, आ आ आ आ, क्या है, क्या है, बहुत हो गया तेरा, भी बहुत हो गया, साढ़े बक्की बक्की में दे देंगे तेरे, धमकी दे दे रहा हूं, छोड़ दिया उसे, अब नहीं छोड़ूंगा। बुला ले, किसी को भी बुला लियो।